आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी रहने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे किश्तवाड़ और रामबन, ये जितना भी अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट पहले था और उसके बाद तीन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ, इन सब के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक तोहफा दिया था, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। और आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल तारिक आज़ाद जी के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की गतिविधियां यहां हो रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है और कितनी जल्दी ये मेडिकल कॉलेज जो है लोगों को सौंप दिया जाएगा, इस पूरे चिनाब खित्ते के लोगों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके अलावा इस मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या बनने जा रहा है। तारिक आज़ाद जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। तारिक आज़ाद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जब इस, क्योंकि आप पहले प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के रहे हैं, जब आपने ज्वाइन किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा एज ए प्रिंसिपल, तो सबसे बड़ी दुश्वारी आपको क्या आई? हमें सबसे बड़ी दुश्वारी यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया जुलाई 2018 में, तो मैंने वॉलंटियर किया था यहाँ के लिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी टोपोग्राफी की वजह से यहाँ पर मटेरियल नहीं पहुँचता था हमारी साइट पे, क्योंकि दो जगह काम चल रहा था। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो टू कैंपस कॉलेज है, नॉर्मली वन कैंपस होते हैं, हमारा टू कैंपस कॉलेज है, मतलब हॉस्पिटल एक जगह है और मेडिकल कॉलेज दूसरी जगह पर है। हॉस्पिटल जिसको अब हमने एसोसिएटेड एंड टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है वो डोडा सिटी में है, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और मेडिकल कॉलेज का जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो गठ में पड़ रहा है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के जो मेन कॉम्प्लेक्स के अलावा वहाँ पर हमारा बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहे हैं, वहाँ पर हमारी फैकल्टी के क्वार्टर्स भी बन रहे हैं, वहाँ हमारा नॉन टीचिंग के क्वार्टर्स भी बन रहे हैं, और वहीं पर हमारी जो बच्चों के गेम्स वगैरह डे केयर सेंटर वो भी बन रहा है। वो 2018 जनवरी में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, लगभग 4-3.5 साल डिले हो गया था प्रॉपर लोकेशन की वजह से, ज़मीन की वजह से, तो अब ठीक चल रहा है। अभी पिछले मतलब 2018 से शुरू हो के इस वक्त आज की डेट पे जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को की है, 76% उसका जो है परसेंटेज है, वर्क परसेंटेज कंप्लीशन की 76% है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो दिया जाता है वो जब भी कोई कॉलेज शिफ्ट करना हो, वहाँ पर एक आपका जो मेन ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें लेबॉरेटरीज और लाइब्रेरी होती है वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल ये दोनों होना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल के बगैर तो किसी भी कम्प्लेक्स में आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा पहले हमें जो गर्ल्स होती हैं मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर्स, उनको कम्फर्टेबल करना होता है और उनको हम अपने ही इसमें कैंपस में रखते हैं। तो तारिक जी, मेडिकल कॉलेज को बनाना, ख़ास तौर पे 2018 में शायद जुलाई में आप यहाँ आए हैं और उसके बाद आज 2020 है, और 2020 का भी मैं आपको आंकलन दूँ तो 2019 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर में गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, तो उन्होंने कितनी अड़चने डाली और किस तरीके से ये मिशन जो है अभी जो आपने 76% कहा, 2 साल में इतना विशाल स्ट्रक्चर खड़ा करना, इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी आपको अभी तक कौन सी आई थी और वो आपने हल भी की? इस एक साल में कम से कम 6 महीने लॉकडाउन रहा, पहले भी रहा अब भी रहा, मगर हमारी खुशकिस्मती है कि हमने लेबर को यहाँ से जाने नहीं दिया। हमारी जितनी भी लेबर थी उनको हमने इंटैक्ट रखा, उनको हमने कंफर्टेबल बनाया, उनको फील नहीं होने दिया, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मदद की और लेबर हमारी काम करती रही। इवन ड्यूरिंग कोविड हमारे पास 250 लोग लेबर के काम करते रहे उस साइट पे भी, और 125 के करीब इस मेडिकल जो हॉस्पिटल की साइट पे भी काम करते रहे। हम उनकी वक्तन फवक्तन स्क्रीनिंग करते रहे ताकि कोई इन्फेक्ट तो नहीं हो गया, बाहर से जो लोग आते थे दूसरी लेबर उनकी इमीडिएटली हम टेस्ट करा के क्वारंटीन में डालते थे, फिर उनको शिफ्ट करते थे। जो हमारी लेबर थी उनको हमने इन्फेक्ट नहीं होने दिया, इस वजह से उनको हमारा काम चालू रहा और आप अभी नतीजा देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है। हमें दुश्वारी सिर्फ ये आई कि जब कंप्लीट बंद होते थे तो हमारा मटेरियल पहुँचते में होते थे, हो सकता हम इस वक्त 76% के बजाय हम 86% होते अगर हमारा मटेरियल वक्त पे पहुंच जाता, हैवी मटेरियल जैसे सीमेंट हमें हमारे इंजीनियर्स ने, लोकल इंजीनियर्स थे,
उन्हें लोकली यही विद इन टू डिस्ट्रिक्ट ही जहाँ से भी हो सकता था सीमेंट लिया। हमने क्या किया कि इस लॉकडाउन के द्वारा हमें जितना भी सीमेंट प्लास्टर वगैरह का काम था वो हमने कर दिया, और जो ब्रिक्स हम इसमें यूज़ होनी थी मैसनरी में वो भी लोकली बनाई हमने। तारिक जी एक चीज़ देखी कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी तक जितने मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 या 2.5 साल में जो है तैयार नहीं हुआ। इसमें मैं एक आपका पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि कितनी देर आपने जो, क्योंकि आपको छुट्टियाँ तो मिलती रहती होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, कितनी देर आपने छुट्टियाँ ली हैं, कितना टाइम यहाँ बिताते थे, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम समय में, खासकर डोडा के पूरे इलाके में मैंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अभी तक देखा है, तो ये कैसे संभव हुआ है? छुट्टी तो तकरीबन हमने कोई नहीं ली, ऑफिशियल काम से जाते थे जम्मू, फॉलो करते रहे हर जगह पे, फंड्स की कोई कमी नहीं आई। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जिस दिन मैंने टेक ओवर किया जितना फंड हमें एलोकेटेड था वो सब का सब हमें उसी दिन आ गया। अभी तक से कितना पैसा अभी तक यूटिलाइज हुआ? हमें वो 109 करोड़ था और उसमें 108 कुछ करोड़ हमें ऑलरेडी मिल चुका है उसके लिए। मिल चुका है वो हमारे पास है, वो PWD को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो तारिक जी इस मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चे जो हैं हर साल अपनी डॉक्टरी की डिग्री पास करके बाहर आ जाएंगे? ये मेडिकल कॉलेज हमने जो एप्लीकेशन दी है वो 100 स्टूडेंट्स की दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के रूल्स के हिसाब से 50% गर्ल्स आती है। अच्छा। और हर साल ये 5 साल के बाद यहाँ पर 500 बच्चे हो जाएंगे। 500 बच्चे, तो इन 500 बच्चों में हमारा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल होता है, हम 60% बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं और 35% फैकल्टी को देते हैं। और यहाँ पर हमें ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट जो अकोमोडेशन, तो कोशिश कर रहे हैं कि अकोमोडेट। इस वक्त हमारे पास जो हॉस्टल है वहाँ पर 386 बच्चों के रहने की फैसिलिटी है, जो आपने अभी मेडिकल कॉलेज बना जो अभी बन रहा है उसमें 386 बच्चे रह सकेंगे। हाँ जी। तो सर इसमें जो मेडिकल कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑपरेट करेंगे, और इसमें कोई ख़ास डिपार्टमेंट ऐसा है कि जो शायद पहले किसी और मेडिकल कॉलेज में नहीं वेल इक्विप्ड था जो इसमें होगा? इसमें देखिए टोटल हमारे पास 21 डिपार्टमेंट हैं मेडिकल कॉलेज में, जिसमें कुछ प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिक होते हैं। प्री क्लिनिकल हैं जो बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जहाँ होती है बेसिक साइंसेज की, पैरा क्लिनिकल लेबॉरेटरीज के डिपार्टमेंट होते हैं, फिर क्लिनिकल हुए जो हॉस्पिटल को चलाते हैं जहाँ मरीजों की देखभाल होती है। तो हमारे इस वक्त तकरीबन सारे ही डिपार्टमेंट जो हैं बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। कुछ में कमियाँ हैं, डेफिशिएंसी है, सीनियर फैकल्टी नहीं है, पर जो भी फैकल्टी हमारे पास है बड़े डेडिकेटेड लोग हैं, क्योंकि जो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि जो यहाँ आया है वो माइंड बना के आया है, उनको मालूम है कि हमने नौकरी करनी यहीं करनी और रहने आए हैं। कश्मीर से बहुत से लोग आए हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूशन से बंदे आए हुए हैं। तो इसमें कोई जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई ऐसी रिजर्वेशन यहाँ के लोगों को मिल रही है? इसमें नहीं हुई, ये तो एज पर नीट होगा, नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, उसमें जो भी उसमें क्राइटेरिया हो, यहाँ पर लोकल लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन का नहीं है। अलबत्त जम्मू कश्मीर का अपना जो होता है अपनी नीट के हिसाब से फॉलोइंग होती है। अब पता नहीं यूटी की बनने के हिसाब से, मुझे मालूम नहीं कि उसमें क्राइटेरिया में, मगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो क्राइटेरिया चेंज हुआ नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों को यही मिल जाएगी और वो पढ़ लेंगे। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि कोरोना वायरस का जो कहर पूरे विश्व में है, हिंदुस्तान में भी है और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, तो इसका क्या, क्योंकि मैं उनका मेडिकल फ्रेटर्निटी के ही हैं, तो इस कोरोना वायरस का मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जहाँ पे अभी तक जो है इसका डायग्नोज नहीं हुआ, अभी तक इसका वैक्सीन नहीं बना? नहीं, वैक्सीन तो नेचुरली वैक्सीनेशन तो जो भी कोई नया वायरस आता है उस पर तो 1 साल तो मिनिमम लगता है वैक्सीन बने, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर काम चल रहा, हमारे भी नेशनल लेवल पर काम चल रहा, ट्रायल शुरू हो गया। आपने सुना होगा पिछले दिनों आल इंडिया इंस्टीट्यूट में ट्रायल हो गया। मगर इस बीमारी को रोकने के लिए पब्लिक का सबसे बड़ी कोऑपरेशन की जरूरत है, मास्क लगाना है आपने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है आपने, बार बार हाथ धोने हैं, हाथ इसलिए धोने हैं सैनिटाइजर से या हाथ साफ धो के, आप हो सकता है गलती से किसी एरिया को टच किया हो जहाँ पर वायरस हो, तो उससे आपको वायरस नहीं होगा। तो इस वजह से भी क्योंकि लोग इसके बड़े इनिशियली जब ये कोरोना आया था तो बड़े लोग स्केयर्ड थे, तब लेते थे,
और अब जितना ये फैल रहा है इतना लोग अब केयरलेस हो गए हैं, तो कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए ये बीमारी फैल रही है। कोई ऐसा स्पेशल सेंटर हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे आपने सुना होगा कि हम अभी भी ग्रीन जोन में आ रहे हैं, वो उसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रूथलेस स्ट्रिक्टनेस जिसको बोलते हैं ना, मतलब मैं आता हूँ, मुझे भी रोक के चेक करते हैं कि आपने टेस्ट कराया या ये कराया नहीं कराया, कहाँ गए थे, किस एरिया से आ रहे हैं, तो इतनी रूथलेस स्ट्रिक्टनेस की वजह से अभी तक हम बचे हुए हैं। बाकी अगर हम लोकल लेवल पे प्रिकॉशन ना लें तो वो फिर उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं। इस अस्पताल में खासतौर पे जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसमें कोई स्पेशल सेंटर, रिसर्च सेंटर इसके लिए खुलेगा? हमारा जो मेडिकल कॉलेज डोडा है, बाकी मेडिकल कॉलेज की तरह इसको इन्होंने सेकंड लेवल ट्रीटमेंट सेंटर बनाया है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर GCHC। एक तो लेवल वन पे होते हैं कोविड हेल्थ सेंटर, जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में बनाए हैं कोई सेंटर्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर जो है वो हमारा मेडिकल कॉलेजेस को बनाया है, पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस को। यहाँ पर हम अप टू माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के मरीजों को दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल पे है कोविड हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज जम्मू श्रीनगर, जम्मू में गांधीनगर हॉस्पिटल भी है और श्रीनगर में श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट है। कोविड हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और वेंटिलेटरी फैसिलिटी है, वेंटिलेटरी की फैसिलिटी हमारे पास भी है। अब जैसा ऐसा नहीं है कि हम वेंटिलेटर फैसिलिटी नहीं रख सकते, हमें इसलिए रखनी है कि सपोज़ करो कल को खुदा ने कहा उन हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ गया और उन्होंने हमें मना कर दिया अपना मरीज़ यहाँ से लेने के, तो हम उसको मरीज़ को खुला तो छोड़ नहीं सकते, तो हमने उसके लिए ICU यहाँ पर सेटअप किया। हमारे पास मिनिमम 12 बेडेड ICU है जिसमें हमारी वेंटिलेटर लगे हुए हैं, 8 हमारे पास फिर कल आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजे हैं, हमारे पास टोटल 20 वेंटिलेटर है। जो आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी ने नारा दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत का क्या कोई रिसर्च सेंटर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर डेवलप होगा, और उस रिसर्च सेंटर में क्या डिजीज़ के ऊपर, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के ऊपर काम हो सकता है? ये मेडिकल कॉलेज एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो जो अपने अपने डिपार्टमेंट है वो अपने अपनी रिसर्च साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। जैसे कल ही हमने ये लैब शुरू की, एंटीबॉडी लैब, तो इसमें कल से हमने रिसर्च शुरू कर दी कि जिन जिन हम कोविड पॉजिटिव लोगों को लेंगे उनको हम हर महीने दोबारा बुलाएंगे टेस्ट करने के लिए, हम उनकी एंटीबॉडीज़ लेवल देखते रहेंगे। आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में रिसर्च हो रहा है दोबारा कोरोना मरीजों को हो रहा है, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं, चेक नहीं कर रहे हैं, दोबारा इन्फेक्शन हो रही है। अगर किसी आदमी को कोविड इन्फेक्शन हुआ था, आइसोलेशन में रहा, टेस्ट नेगेटिव आए, देखा महीने दो महीने के बाद उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया, उसमें देखा गया कि एंटीबॉडीज लेवल जो कम हो जाती है, तो वो हमें इस मशीन से पता चलेंगे। हम लोगों के एंटीबॉडीज लेवल चेक करके ये बता सकते हैं क्या इस मरीज़ को लड़ने में, बीमारी से लड़ने की क्षमता है नहीं है। अगर कम लेवल्स होंगी तो इसका मतलब है कि उसको एहतियात करनी ताकि दोबारा उसको कोरोना, जैसे कल हमने 5 सैंपल लिए, 5 में एक ही एंटीबॉडीज कम आई, उसका मतलब है कि उसको काफ़ी, हमने उसको जब उसको हम डिस्चार्ज करेंगे उसको वार्निंग लिख के देंगे कि आपने बिल्कुल एहतियात करनी है अपनी ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन। तो ये सेंटर, ये जो एंटी जो बॉडी का आप टेस्टिंग करते हैं, ये टेस्टिंग हमने कल से ही शुरू की है, ये एक रीजन रेंटल बेसिस पे एक कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, वो हमें सबसे सस्ते रेट पे 500 रुपये का टेस्ट देती है, ये ऑन पेमेंट होगा टेस्ट, हो सकता है उसके हैंडलिंग चार्जेस हम 200-200 रुपये करके 700-750 में इसको आम कर देंगे, ताकि अगर ये टेस्ट, इस पर दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक IgM होता है, एक IgG होता है, अगर तो दोनों नेगेटिव हुए इसका मतलब है मरीज़ को कोई कोरोना का इन्फेक्शन नहीं, अगर दो में से एक हुआ IgM पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कि मरीज़ अर्ली स्टेज पे बीमारी के है और उसकी कन्फर्मेशन हमको RT-PCR से करनी है। अगर IgM नेगेटिव हुआ और वो दूसरा IgG पॉजिटिव हुआ इसका मतलब है कोरोना का मरीज जो एडवांस स्टेज में है और उसकी कंफर्मेशन, फिर वायरस तो हमें उसी मशीन में मिलेगा RT-PCR में, लेकिन इसमें आपको इनिशियल, हमें इनिशियल स्टेज का पता चलेगा, एक स्क्रीनिंग हो जाएगी। जैसे हमने डोडा में 200 लोगों का किया, 200 लोगों में
170 लोग नेगेटिव आ गए। इसका मतलब है कि उनमें बीमारी नहीं है। 170 में 30 में वो IgM या G वाला पॉजिटिव आएगा, तो हम उसमें देख लेंगे, उनको अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि क्या कर रहा है। सर ये मशीन कहाँ कहाँ पे अभी है पूरे जम्मू कश्मीर? हमारी स्टेट में कहीं नहीं लगी है। हमने चूंकि सबसे पहले ऑर्डर दिया, जो ही पता चला मशीन का, कंपनी ने ऑफर दी, हमने इमीडिएटली मान लिया और अपने लेवल पे हमने ये किया और हमने इंस्टॉल कर दी। तो चूंकि हम दूर दराज एरिया में रहते हैं, तो हमने उनको कहा था कि पहले हमारे मेडिकल कॉलेज पर लगा दो। अच्छा, तो उन्होंने लगा दी यहाँ पर। दूसरी तारीख पहले मशीन इंस्टॉल की थी, कल उन्होंने एप्लीकेशन शुरू कर दी, अब हमारे रिजल्ट आएंगे तो हम इसको कर देंगे। क्या तारीख जी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी जो कोरोना के टेस्ट होते हैं वो मोस्टली जम्मू या उधमपुर में हो रहे हैं, क्या आगे पॉसिबिलिटी है कि डोडा में ही जो है वो टेस्ट हों? और कब तक RT-PCR जो है, उम्मीद करते हैं कि टोटल 2 हफ्ते में वो फंक्शनल हो जाएगा। अच्छा, और उसमें एक प्लेट पे 100 टेस्ट होते हैं, मतलब एक शिफ्ट में जो 6 से 8 घंटे की शिफ्ट हो सकती है उसमें टेस्ट हो सकते हैं। हमने जो अभी आपको मैंने बताया कि हमने कुछ रिसर्च साइंटिस्ट की एडवर्टाइजमेंट निकाली है, हफ्ते के अंदर अंदर हमने उनको भर्ती कर लेना है। वो वही लोग भर्ती होंगे जो RT-PCR पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ से जो स्टाफ जो कम एजुकेटेड है, जैसे डिप्लोमा वाले, उनको हम ना भेजें, वक्त ज़ाया करें, क्योंकि उनको हैंडलिंग भी नहीं आएगी। तो हम ऐसा करेंगे कि हम उसको 2 हफ्ते में, जब होगा, हो सकता हफ्ता 10 दिन हमें उसके स्टेबलाइजेशन में लगेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज होगा, हमारी स्पीड स्लो होगी टेस्ट करने की। जो जो हम स्पीड गेन करेंगे तो हम 200 से 300 तक टेस्ट कर सकते हैं। हमारी अपनी जो हमने टारगेट रखा है कि हम 2 शिफ्टों में 16 घंटे की शिफ्टों में काम करेंगे, जिसमें मिनिमम 200 टेस्ट हम कर दिया करेंगे। 200 टेस्ट डोडा से ही जो है होंगे, सेंटर से 200 टेस्ट हुआ करेंगे, वो हम उसके लिए हम कहीं और लाइन में नहीं लगेंगे। अभी आजकल या तो जम्मू में होते हैं या उधमपुर होते हैं, या उसके बाद जब स्पिल ओवर होते हैं उनको पूना भेज देते हैं टेस्ट करेंगे। अच्छा। और हर जगह इस वक्त बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी, मतलब 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं लोगों को टेस्ट की रिपोर्ट आने में, तो उनको फिर क्वारंटीन में फिर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, कम अनकम्फर्टेबल है। तारिक जी, इतना एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं? बिकॉज इतना कुछ जो है साथ साथ में हो रहा है, काम है हमारा, इसके लिए तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कोई पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप शुरू कर रहे हैं, और कब तक शुरू होंगे? लास्ट ईयर अप्लाई, गवर्नमेंट ने हमको सेंक्शन दी है 60 सीटों की, जिसमें 20 सीटें BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की हैं, और 20 सीटें डायलिसिस टेक्नोलॉजी की, 20 सीटें OT टेक्नोलॉजी की। हमने यही 3 मांगे क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। ये अभी BOPI के टेस्ट होने हैं, उसके थ्रू लोग आ जाएंगे, उसके लिए सिलेक्शन होके। तो ये इसके अलावा भी आने वाले वक्त में नए नए डिप्लोमा जो होते हैं, जो बाहर होते हैं, यहाँ पे नहीं पहले होते थे जम्मू कश्मीर? ये जो इस वक्त बेक शिफ्ट मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ पहला साल चलाने के लिए बनाया है, उसके बाद भी हमें सेकेंड ईयर में हर हाल में वी हैव टू शिफ्ट टू द न्यू बिल्डिंग। तो जब ये बिल्डिंग वेकेट हो जाएगी, इसका हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है, दिस विल बी कन्वर्टेड टू कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। और जब ये कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बन गया, तो इसमें फिर जितने भी हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से हम इसमें फिर यहाँ पर नई नई स्पेशलिटीज लेंगे, जैसे BSc नर्सिंग का भी हम स्टार्ट कर सकेंगे कोर्स। हम बाकी जो जो भी कोर्सेज होंगे वो हम शुरू कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर तारिक जी आपसे, कि क्या कोई यहाँ पे अभी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अब शुरू हुआ है यहाँ पे, क्या कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो पहले यहाँ नहीं होता था, या कोई ऐसी अचीवमेंट जो जब मेडिकल कॉलेज आया उसके बाद यहाँ पे हुआ? यहाँ पर तकरीबन 24/7 ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल भी, कोविड में भी। यहाँ से तकरीबन दिन के 3 से 4 से 5 मरीज तक रेफर होते रहे। कल मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मांगी, और उन्होंने कहा कि अभी 4 दिन से हमें कोई मरीज जम्मू रेफ़र नहीं किया हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड की और इसकी थी, CT scan की थी। ये पिछले 1 महीने से ये दोनों चीज़ें हमने चालू कर दी हैं, और लकीली हमारे पास लोकल रेडियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं 2, वो भी 24/7 काम कर रहे हैं, तो हमारा रेफर का मसला ख़त्म हो गया। हम यहीं पर सब कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैंसर सर्जरी भी कर रहे हैं, एडवांस कैंसर सर्जरी भी कर रहे हैं, बाकी छाती के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। हमारे पास सर्जिकल डिपार्टमेंट में एक यहाँ के लोकली फैकल्टी है डॉक्टर बाबर, वो MCH है कार्डिक सर्जरी में, वो मुझसे परमिशन मांग रहे थे कि मैं छाती के ऑपरेशन भी करना शुरू करना चाहता हूँ।
यहाँ पर उन्होंने अभी पिछले दिनों एक ग्राफ्ट भी लगाया, किसी की नस कमज़ोर थी तो उसमें आर्टिफिशियल आर्टरीज लगानी होती वो लगाया, वो भी कामयाब ऑपरेशन हो गया। गायने वाले भी बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं 24/7। अब हम यहाँ पर हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हम एक ये जो ब्लड बैंक में कंपोनेंट लैब दे दें जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सेल मरीजों को दे सकते हैं। इस वक्त हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एक होता है जो इसमें काम आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, उसकी फैसिलिटी नहीं है। मैं अभी कल जा रहा हूँ जम्मू मेडिकल कॉलेज से, उसका MOU साइन करूँगा, हम वहाँ से लाया करेंगे, यहाँ पर लोगों को दिया करेंगे जब तक हमारी अपनी कंपोनेंट लैब तैयार हो जाएगी। ना यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बन रहा है सेपरेट, उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही है? नया टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 30 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टोपोग्राफी की वजह से शायद उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगी। उसमें 170 बेड्स होंगे, 20 बेड का एक पूरा फ्लोर ICU और CCU का होगा, और बेसमेंट में हमारी स्टेट ऑफ आर्ट एमरजेंसी वहीं पर होगी, पूरा एमरजेंसी 40 बेडेड एमरजेंसी होगी, और वहीं पर जिस जो भी इसके एलिड होते हैं टेस्ट वगैरह करने की फैसिलिटी वो वहाँ पर, जिसमें कहाँ पे बन रहा है वो हॉस्पिटल के नीचे आपने देख रहा होगा कि एक नई बिल्डिंग आ रही है, वो आ रहा है, उससे हमारी टोटल कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 500 बेड हो जाएगी हॉस्पिटल की। अच्छा। 500 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एमरजेंसी के 40 बेड और ICU के 20 बेड हो गए, मतलब टोटल 560 बेड का हो जाएगा हमारा। तो कोरोना का आगे क्या किस तरीके से जो मतलब ये टेस्टिंग वगैरह जो की जब तक हमारी आर्टिफिशियल हो जाएगी, हम यहाँ पर एक मशीन आती है TrueNet, ये पहले हम इसको TB के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे साइंटिस्ट ICMR ने इसी मशीन पे कोविड टेस्टिंग के लिए नई चिप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब उस पर एक ही प्रॉब्लम है कि वो स्लो होती है और एक शिफ्ट में सिर्फ 4 टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो वो हमने रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर इमरजेंसी ब्रीज ऑपरेशन करने होते हैं, तो हमें 4-4 दिन वेट करना था उनकी रिपोर्ट आने में, क्योंकि बिना रिपोर्ट के हम किसी मरीज को नहीं, क्योंकि उसे सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं जो करने ऑपरेशन करने वाले बाकी लोग। तो TrueNet की हमें रिपोर्ट 1 घंटे में मिल जाती है। तो इस वक्त हम जितने भी हमारे इमरजेंसी पेशेंट्स हैं या बहुत सिक पेशेंट्स हैं उनका TrueNet मशीन पे टेस्ट करते हैं, और हेल्थ केयर वर्कर जैसे किसी डॉक्टर को सस्पेक्ट हो गया, नर्स को या किसी होगा तो उनको, वो हमने रिजर्व उन्हीं के लिए रखे, वो अभी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगता बहुत, एक घंटे में एक ही मतलब टेस्ट या 2 टेस्ट होते हैं, इसलिए हम उसी साथ स्पेशलाइज ऑपरेशंस के लिए रखे, वो स्पेशलाइज के लिए रखा है सिर्फ हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी सिस्टम चलाने के लिए। अब ये है कि सुबह मरीज आया, डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इसका 3 घंटे में ऑपरेशन होना चाहिए और 1 घंटे 1.25 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। और तो सर आपका जो अमला है जितना भी स्टाफ आपके साथ काम करता है तो उसका क्या रोल है आपके साथ काम करने में? साथ बहुत डेडिकेटेड लोग, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि यहाँ पर वही लोग आए हैं जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, बेदिली से कोई नहीं आया, तो वो हर अपने बिजी, खासकर क्लिनिकल स्टाफ तो बहुत ही राउंड द क्लॉक काम कर रहा रहता है, हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त हमारे पास 22 से 25 पेशेंट है हमारे कोविड सेंटर में, 42-45 तक थे, काम कर रहे हैं। एक पेशेंट परसों हमने भेज दिया, उसकी थोड़ी सेचुरेशन कम आ रही है, ARB का आदमी था उसको हमने जम्मू भेज दिया, बाकी हम तकरीबन यहाँ से ही ठीक करके लोगों को भेज। शुक्रिया। ये थे तारिक जी, GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल। आप देख सकते हैं कितना कुछ इस पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और ख़ास तौर पे आत्मनिर्भर भारत का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत हो चुकी है, और ख़ास तौर पे हम अब यही आशा लगाते हैं कि अगले साल तक इस बिल्डिंग, ये जो मेडिकल कॉलेज है, फुली फंक्शनल हो, और आने वाले वक्त में डोडा के लोगों को, ख़ासतौर पर किश्तवाड़ के लोगों को, बदरवा और जितने भी एडजॉइनिंग हिली एरियाज़ हैं, इन सबको ये फीड करे और एक सिंबल बने ये मेडिकल साइंसेज का। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।